हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दिनों पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री MHI 05 लेसन 6 उपमहाद्वीपीय कृषि और पशुपालन समुदाय के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इस चैप्टर का पढ़ने का जो हमारा स्ट्रैटेजी होगा वो पुरातात्विक अध्ययन और भूगोलिक अध्ययन पर आधारित रहेगा। दोस्तों, इस चैप्टर को मैंने टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट मैं करवा चुका हूँ, सेकेंड पार्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर में दोस्तों हमने पूरे भारत को कवर किया था, जिसके अंदर में हमने नवपाषाण एम ताम्रपाषाण समुदाय के बारे में पढ़ा था। ताम्रपाषाण समुदाय होते क्या है? जिन्होंने तांबे का यूज़ किया। नवपाषाण मतलब नए पत्थरों का यूज़ करने वाला समुदाय, ठीक है। इसके बारे में हमने पूरा स्टडी किया था, जिसमें हमने पूरे भारत को तो स्टडी किया, जिसमें विंध से लेकर लद्दाख तक हमने पढ़ा कि विंध से लद्दाख तक का जो कल्चर था किस प्रकार का था, वहाँ पर जो समुदाय थे पशुपालक और कृषक समुदाय वो किस प्रकार के थे। उत्तर से लेकर पश्चिम तक, जिसमें आपका जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, ये पूरा ये जो पश्चिम वाला एरिया है आपका पड़ जाता है, राजस्थान, ठीक है, गुजरात, इसको हमने कवर किया। साथ साथ हमने पढ़ा दक्षिण के जो पठार, और जब दक्षिण के अंदर में जैसे कर्नाटका जाते हो आप, ठीक है, केरल जाते हो, ये सारा जो पठार वाले एरिया पड़ता है, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सारा पठार वाला एरिया, इसको भी हमने कवर किया कि वहाँ पे किस प्रकार की संस्कृतियाँ थी। आज के इस वीडियो के अंदर में हम हड़प्पा सभ्यता की जो सिमिलर संस्कृतियाँ पूरे भारत में जो मिली हैं उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा इसको डिटेल में समझें तो हड़प्पा सभ्यता से सिमिलर समकालीन संस्कृतियाँ क्या होती हैं। जैसे मान लो हड़प्पा सभ्यता कहाँ मिली, हड़प्पा सभ्यता, जैसे ये जो लाइन है आपका, ये लाइन है, ये भारत का इंटरनेशनल बॉर्डर है जो हम पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं, और यहाँ पर हमारी हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, ऐसे मान के चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका पंजाब हो गया, ऊपर में कश्मीर हो गया, इधर राजस्थान हो गया, इधर गुजरात हो गया। इसके आसपास के क्षेत्र में जो सभ्यता, जो जो हमें स्थल मिले, पुरातात्विक स्थल मिले, हमने उसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दे दिया कि भैया ये आसपास का जो सेम सिमिलर जो है वो हड़प्पा सभ्यता है। पर जब हमने बाद में पूरे भारत के अंदर में पुरातात्विक खुदाई होने लगी, जब उसके बारे में स्टडी की जाने लगी, तब भारत के अंदर में काफ़ी जगहों पर हड़प्पा सभ्यता से सिमिलर सभ्यताएँ मिली, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर में हम स्टडी करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है पूरा, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी और समझने वाली सीखने वाली चीज़ें हैं इस पूरे वीडियो के अंदर में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है तो आपको लास्ट तक देखना है, सही से समझना है। आप एमए हिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो थोड़ा सा लेक्चर सुनने की आदत भी आपको डालनी होगी, ठीक है। और दूसरा, आप सबसे दोस्तों रिक्वेस्ट ये है कि अगर वीडियो कहीं पे समझना है, कोई पॉइंट आपसे छूट रहा हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अभी फिर भी समझा दूंगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि जितनी भी आप सभ्यता की स्टडी करोगे, जितनी भी सभ्यता आप पढ़ोगे, तो सारी सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे आपको मिलेंगी, ठीक है। जैसे आप हड़प्पा सभ्यता की बात करो तो वो सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे है। तो उसी तरह से किसी भी सभ्यता की आप स्टडी करोगे तो किसी ना किसी नदी के किनारे विकसित होती है। सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है नदी के किनारे विकसित होने का, कि नदी के किनारे उनके जीवन व्यापन के लिए सारी सुविधाएं अवेलेबल होती हैं। जैसे पानी की ज़रूरत है तो पानी मिल रहा है नदी से, मछली पकड़ के वहाँ से खा सकते हैं, जानवर सब पानी पीने के लिए आते हैं तो जानवरों का शिकार कर सकते हैं, ठीक है। एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है तो नदी जो मार्ग है वो सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो इसके कारण से जितनी भी सभ्यता होंगी वो नदी के किनारे बसी हुई मिलेंगी, और या फिर जितने भी बड़े शहर आपको दिखेंगे वो सारे किसी न किसी नदी के किनारे ही आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो आज का हमारा है का पूरा गंगा यमुना का जो दुआब क्षेत्र है, जम्मू से लेकर गुजरात का पूरा क्षेत्र है, ठीक है, और इसकी जो आसपास की सीमाएं हैं उसको हम स्टडी करेंगे, जिसमें हमें पूरे भारत को ऑलमोस्ट स्टडी कर लेंगे, और सारी जो कहीं ना कहीं जितने भी साइट्स मिलेंगे वो सारे नदी के किनारे ही आज वाले में भी मिलने वाले हैं हमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इसमें सबसे पहला टॉपिक आ जाता है हमारा उत्तर पश्चिम तथा लोह तकनीक की ताम्रपाषाण पृष्ठभूमि। अब ये उत्तर पश्चिम है क्या, तो मतलब उत्तर से लेकर पश्चिम तक का जो हमारा पूरा एरिया है उसके अंदर में जो ताम्रपाषाण पृष्ठभूमि, जो ताम्रपाषाण तकनीक का उपयोग मिला, उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। इसके अंदर में राजस्थान के, इसके अंदर में हम बात करें तो जो उत्तर पश्चिम पाकिस्तान, जो आपका ये जो पूरा टाइम पीरियड है 2000 से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक की बीच बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर में नवपाषाण परिस्थितियाँ, नवपाषाण मतलब नए पत्थरों का उपयोग कई जगह में देखने के लिए मिला। साथ साथ में हमें देखने के लिए मिलता है तांबा और कांसे का उपयोग वाली संस्कृतियाँ समूहों ने लेना शुरू कर दिया था। जो उत्तर पश्चिम का पूरा जो एरिया था, उत्तर पश्चिम का मतलब जैसे कश्मीर हो गया, ठीक है, पंजाब हो गया, और राजस्थान हो गया, तो ये जो उत्तर पश्चिम का जो एरिया था वहाँ पर पहले इस टाइम पीरियड के अंदर में नवपाषाण संस्कृतियाँ थी, जहाँ पे नए पत्थरों का यूज़ करके हथियार बनाए जाते थे, औजार बनाए जाते थे।
पर धीरे धीरे इसका जो जगह था वो किसने लेना शुरू कर दिया, तो कांसा और तांबा जैसे जो संस्कृति थी उसने लेना शुरू कर दिया, ताम्र पाषाण संस्कृतियों ने लेना शुरू कर दिया। इसके साक्ष्य हमें मिले हैं कई जगहों से जिसके बेसिस पे हम ये बोलते हैं। ठीक है, आप अगर इसको देखोगे जैसे गांधार, गांधार कब्र की संस्कृति कही जाती है। ठीक है, गांधार कहाँ हो गया, अफगानिस्तान के अंदर में। तो जो पहले ही मैं बताया था आपको चैप्टर के नाम में ही कि उपमहाद्वीप जो भारत से पूरे सटे हुए जो देश हैं, ठीक है, भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो सारे भारत के उपमहाद्वीप में आते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के पार्ट है। ठीक है, तो जब हम स्टडी कभी भी करते हैं अपने पुराने हिस्ट्री को तो पूरा गांधार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सबको हम अपने साथ में मिलाकर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों कि जो इनके कब्र हुआ करते थे, कब्रों का पूरा समूह था जिसे हम गांधार कब्र संस्कृति के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे चौकोर पत्थरों का उपयोग किया जाता था इसके मतलब इमारतें इमारतें बनाने के लिए। ठीक है, चौकोर पत्थरों का उपयोग किया जाता था, कब्र जो होते थे ढलान के ऊपर बनाए जाते थे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे देखने के लिए मिलता था। अगर आप यहाँ पे बात करो कि जो इसके अंदर में लोहे का उपयोग किस तरह से दिखता है, तो यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें नहीं मिली हमें, लोहे की जो ज़्यादा चीज़ें नहीं मिली है, यहाँ पे छोटी सी सुई, ये सारी चीज़ें मिली हमें। ठीक है, और उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे मानते हैं कि यहाँ पे लोहे की उपयोग था, तांबे का उपयोग किया जाता है, ताम्रपाषाण संस्कृति के अंदर में आता है। थोड़ा सा आप मैप को स्टडी करो तो आप, ये मैप है जहाँ पे हमें बड़ापा के साइट्स मिले हैं जो सिमिलर हड़प्पा जैसे, जैसे पेशावर हो गया आपके पाकिस्तान के अंदर में। ठीक है, ये घांगी घई हो गई, ये भी पाकिस्तान के अंदर में आपका पड़ता है, ये स्वात हो गया आपका पाकिस्तान के अंदर में, हमारा कश्मीर, और ये बुर्जहोम गुलफाम, ये सारे सारे जो हैं आपके हड़प्पा के साइट्स हैं जो सिमिलर हड़प्पा से मिलते जुलते, जहाँ पे हमें किसी न किसी प्रकार से ताम्रपाषाण संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे गुफर काल के बारे में हम बात करें, यहाँ पे जो गुफर काल है इसके बारे में हम बात करें तो इसमें लोहयुक्त तो महापाषाणी तत्व की उपस्थिति देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे लोहे का उपयोग करता हुआ हमें कई सारे पदार्थ साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अगर आप इस चैप्टर को पूरा स्टडी करोगे, जो आपका टॉपिक है वाला उत्तर पश्चिम तथा लो तकनीक की पृष्ठभूमि वाला, इसके अंदर में आपको ये समझ में आएगा कि ज़्यादातर हमें तांबा की चीज़ें नहीं मिली हैं, कुछ छोटी मोटी टुकड़े मिले हैं। क्योंकि आप जब आप 2000-4000 साल पुरानी चीज़ों के बारे में स्टडी करोगे, ठीक है, या फिर उसकी खुदाई करके उसके सबूत निकालोगे, तो हर बार सबूत सही सलामत रहे ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो जो ज़्यादातर चीज़ें थी वो टूट जाती थी या छोटे मोटे टुकड़े मिले हैं, जिसके बेसिस पे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये वाला जो चीज़ था वो ऐसा हो सकता है। ठीक है, समझ में आता है। आगे आप यहाँ पे बात करो दोस्तों, तो इसके अंदर में ये कहा गया है कि जो 1000 ईसा पूर्व के आसपास की भारतीय उपमहाद्वीप का एक बड़ा हिस्सा जो था लोह युग में प्रवेश कर चुका था। ठीक है, 1000 जब सन 1000 चल रहा था, 1000 ईसा पूर्व के आसपास का जो पूरा भारत के उपमहाद्वीप मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, ये पूरा एरिया की हम बात कर रहे हैं, तो उस समय का जो ये पूरा टाइम पीरियड था भारत उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप का, वो लोह युग में प्रवेश कर चुका था। लोह युग मतलब जहाँ पे लोहे का उपयोग किया जाने लगा था। ठीक है, और अभी भी पर पूरे भारत के अंदर में एक टाइम पीरियड पे सारी चीज़ें नहीं हुई थी। ठीक है, कई जगहों पे अभी भी नवपाषाण में ही जी रहे थे। ठीक है, और धीरे 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 परिवर्तन हुआ। कहने का मतलब ये कि कई बार चेंजेस क्या होते हैं, एक बार में पूरे भारत के अंदर में मतलब पूरी जगहों पे चेंजेस होना, ठीक है, तो वो एक क्रांति कहलाती है, पर धीरे 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 जाकर चेंजेस हो रहे थे। तो जो इधर उत्तर पश्चिम का एरिया था वहाँ पे ये देखने के लिए मिला कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर में लोहे का उपयोग किया जाने लगा। ठीक है, लोहे युग का शुरुआत हो चुका था, पर कई जगहों पे अभी भी नहीं हुआ था, क्योंकि जब वहाँ के साक्ष्य मिले उसकी जब डेटिंग चेक की गई तो डेटिंग के हिसाब से पता चला कि भैया ये तो बाद की है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे अगला टॉपिक आ जाता है हमारे राजस्थान के दुर्ग बंद आहार, आहार संस्कृति की बातें हैं। यहाँ पे आहार संस्कृति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है। आहार संस्कृति की अगर आप बात करो दोस्तों, तो यहाँ पे तांबे की वस्तुओं का मतलब राजस्थान के पूरे एरिया में तांबे का बहुत ज़्यादा जो साक्ष्य मिले, तांबे के उपयोग कर की हुई वस्तुओं का साक्ष्य मिले हैं, जिसमें तांबे की वस्तुएं स्थानीय धातुक्रम का बहुत बहुत ज़्यादा प्रमाण मिलते हैं तांबे के उपयोग का। ठीक है, और अगर आप जीवन निर्वाह की बात करो कि वहाँ के जो व्यक्ति थे जीवन निर्वाह किस तरह से करते थे, तो जीवन निर्वाह के लिए कृषि और मवेशी पे वो निर्भर थे। ठीक है, गेहूँ, जो बाजरा, चना, तीसी जैसे ये फसलों का उपयोग करते थे वो। ठीक है, भैंस, भेड़, बकरी, पशु, सुअर, ठीक है, मवेशी, ये सारी चीज़ें पाला करते थे वो। ठीक है, जंगली जानवरों के अंदर में हिरण, कछुआ, मछली, बत्तख और ये मुर्गा जैसी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है,
उनके जो घर बनाए जाते थे उसके अंदर में अनानागार मतलब भंडार गृह जैसी चीजें बनाई जाती थी, जिससे वो आराम से अपने अनाज को रख सके। कोठरी, कोठरी मतलब एक बड़ा सा अनाज रखने की जगह, ठीक है। भंडार गृह, बर्तन, ये सारी चीजें उसके हमें थ्रू ये पता चलता है कि वो इस तरीके से रहते थे। मतलब अनाज का इतना ज्यादा उपज था कि वो भंडार उसको स्टोर करके रख सके, आगे के लिए उपयोग कर सके, ऐसा हमें पता चलता है। अब देखो, एक ये अंदाज है कि ये मतलब एक कल्पना की जाती है कि हाँ ये चीज़ें मिली हैं तो इसका इस तरह का उपयोग होता होगा। हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि इसका क्या उपयोग होता है, ठीक है। सपोज करो जैसे जो पुरातात्विक विभाग के लोग थे, उन्होंने खुदाई किया तो उनको एक ऐसे डब्बा सा मिला मिट्टी का बना हुआ, ठीक है। तो उन्होंने ये माना कि भैया इसके आसपास में ये चीज़ें हैं, इसके आसपास में ये साक्ष्य हैं, तो इसके हिसाब से शायद ये होगा भंडार गृह होगा, इसके अंदर में अनाज रखते होंगे, ठीक है। इस तरह से कोठरी होगा, कोठरी के अंदर में जिसमें अनाज रखा जाता है स्टोर करके, इस तरह से चीज़ें हैं, तो इन्होंने ये मानकर चला। यहाँ पे अगर आप बात करो आहार संस्कृति के अंदर में, टोटल 3 चरणों में डिवाइड किया गया है आहार संस्कृति को, ठीक है। जिसका दूसरा और तीसरा चरण के अंदर में लोहे का लोहे के जो सबसे ज़्यादा उपयोग करते हुए दिखता है, ठीक है। यहाँ पे जो आकर्षित बिंदु है, जो आपका देखोगे टाइम पीरियड पूरा 2100 से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच का ये सारा टाइम पीरियड हमें दिखाता है, ठीक है। जो यहाँ पे आप देखोगे आहार संस्कृति के अंदर में, तो सन 2100 से लेकर इस 2100 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच का सारा ये टाइम पीरियड रेखांकित करता है। यहाँ पर अगर आप मैप को हम स्टडी करें थोड़ा सा, तो मैप के अंदर में आप देखोगे तो ये पूरा आपका जोधपुर राजस्थान हो गया, ठीक है। देखो जोधपुर आपका आ गया इधर, ठीक है। अलवर आ गया इधर, जो अलवर पूरा जयपुर अलवर, तो इसके अंदर में देखोगे तो सारे जो ये जो चौकोर टाइप में ना दिख रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे आहार संस्कृति हो गई आपकी, ये वाला आहार, ठीक है। ये सारा चंबल नदी इधर से बह रही है, चंबल, यहाँ पे कई सारी नदियाँ भी बहती हुई दिखेंगी आपको, लोनी नदी हो गई इधर, ठीक है। तो इस तरह से सारा जो संस्कृति है किसी न किसी नदी के किनारे बसी हुई और आसपास की संस्कृतियों को एक दूसरे से कोरिलेट करती है, ये हमें देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपने पढ़ा। आगे हम बात करें दोस्तों, आहार संस्कृति के अंदर में ही बाल भत्त करके एक संस्कृति आ जाती है, बाल थल, ठीक है। यहाँ पे आहार संस्कृति के अंदर में हम पढ़ते हैं अगला जो संस्कृति आती है बाल थल, ठीक है। बाल थल की हम अगर बात करें तो बाल थल संस्कृति भी आहार संस्कृति से एकदम मिलती जुलती है। बाल थल यहाँ पे देख पाओगे आप मैप में, ठीक है। ये नीचे आहार के एकदम जस्ट नीचे है बाल थल, ठीक है। आहार बाल थल, ठीक है। यहाँ पे अगली संस्कृति, तो इस तरह से सारी संस्कृति एक दूसरे के आसपास में और इस सारी जगहों पे एक जैसे सिमिलर चीज़ें मिलती हैं। बाल थल में सबसे ज़्यादा प्रमाण मिलते हैं, जैसे मैंने बताया ना आहार संस्कृति को टोटल 3 पार्टों में डिवाइड किया गया, जिसमें बाल थल भी एक संस्कृति है। बाल थल के अंदर में कई प्रकार के कमरे मिले, कई कमरे मिले, ठीक है। जब बाल थल की स्टडी की जा रही थी वहाँ पे पुरातत्व विभाग के द्वारा, तो वहाँ पे कमरों की संख्या बहुत ज़्यादा मिली, ठीक है। रसोईयाँ मिली, भंडार गृह मिले, दुर्ग बंद था, जो बाल थल था वो दुर्ग बंद था। दुर्ग बंद, बंद मतलब क्या होता है, दुर्ग मतलब होता है किला, बंद मतलब होता है किला बंद, ठीक है। तो मतलब जो वहाँ के लोग रहते थे वो किले बंद थे, अंदर में घर था, चारों तरफ से दीवारें खड़ी होती थी। दीवारें किस तरह से होती थी, तो गीली मिट्टी की लेप लगाकर खड़ी की जाती थी, और गीली मिट्टी का मतलब मिट्टी से दीवार बनाकर उसके ऊपर में पत्थर चिपकाए जाते थे, ठीक है। और गीली मिट्टी से बनी हुई लेप लगाकर वो पत्थर की दीवार बनाई होती थी, उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती थी, कम होती थी ऊंचाई, ज़्यादा नहीं होती थी, ठीक है। और ग्राम गांव के बीचों बीच ना सड़क होती थी, जैसे ये इधर गांव है, इधर गांव है, दोनों साइड में गांव है, ठीक है। इधर मान लो पूरा गांव है, इधर गांव है, तो गांव के बीचों बीच ना एकदम मेन सड़क आती थी जो पूरे गांव को जोड़ती थी, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पे बालबद में। आगे आप बात करो तो इन जो मेन सड़क होती थी, मेन सड़क से छोटी छोटी जो गलियां होती थी वो जुड़ती थी, ठीक है, जो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। आपने हड़प्पा वाले में पढ़ा था, यहाँ पे भी सेम सिमिलर देखने के लिए मिल जाता है। जो लोग होते थे वो कच्ची मिट्टी के ईंटों का उपयोग करते थे, जो लोग होते थे किसका उपयोग करते थे, तो कच्ची मिट्टी के ईंटों का उपयोग किया जाता था। दुर्ग और हड़प्पा की तरह ही ना यहाँ पे दुर्ग और निचला शहर जैसा हमें देखने के लिए स्ट्रक्चर मिलता है। हड़प्पा में मैंने आपको कई बार पढ़ाया कि हड़प्पा में जो संस्कृति थी वो दुर्ग और निचला शहर में बंटा हुआ था। दुर्ग शहर क्या था, ऐसा माना जाता है कि जो जो मतलब उच्च वर्ग था उनके लिए दुर्ग शहर बना हुआ था, एक तरह से किला बंद शहर था जहाँ पे पूरी तरह से सुरक्षित थे वो, और दूसरा जो मजदूर लोग थे या जो निम्न वर्ग के लोग थे वो निचले शहर में रहते थे, जो थोड़ा ऊंचाई पे था, और दुर्ग शहर थोड़ा ऊंचाई पे बसा हुआ था। तो यहाँ पे भी जो स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है दुर्ग और निचला शहर जैसा मिलता है, हड़प्पाई शहर के एकदम काफ़ी सिमिलर है। इसके यहाँ पे जो चीज़ें हैं हड़प्पाई शहर से काफ़ी सिमिलर है। यहाँ पे भी मुखिया तंत्र मतलब एक लीडरशिप जैसा चीज़ें देखने के लिए मिलती है कि यहाँ पे मुखिया तंत्र का आरंभ हो चुका था। जो हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट जब मैं करवाऊंगा इस चैप्टर का, तो वहाँ पे हम मुखिया तंत्र को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर भी पर हम देखते हैं मुखिया तंत्र का आरंभ हो चुका था। खेतिहर और पशुचारी जमीन मतलब लोग मिलते थे, खेतिहर मतलब जो खेती करते थे और पशुचारी मतलब जो पशु को चराते थे, ठीक
सलाह मतलब वहाँ पे पालते थे। तो पशुपालक और खेती वाले दोनों तरह के लोग यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मालवा के मतलब ये पूरा आपने इसके अंदर में जो बालभद है ये आपका, ये बालभद की साइट के बारे में मैंने पूरा आपको बताया कि किस तरह का वहाँ का स्ट्रक्चर था। ठीक है, आगे हम बात करें तो अगला आ जाता है हमारा मालवा की संस्कृति जो हमारे महाराष्ट्र में मिला। ठीक है, आप इस वाले चैप्टर की खास बात क्या है दोस्तों, कि आप थोड़ा थोड़ा स्टडी करते करते पूरे भारत को कवर कर लेते हो, पूरे इंडिया को कवर कर लेते हो। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ेदार है, मज़ा आता है पढ़ने में। तो ध्यान से अगर पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। अब मालवा संस्कृति की हम बात करते हैं, यहाँ पे आग्रामी कृषक के बारे में हम बात करते हैं। मालवा संस्कृति के अंदर में क्या होता है कि सबसे पहले तो पूरा महाराष्ट्र के अंदर में मालवा पठार महाराष्ट्र के अंदर में फैला हुआ था, ऊपरी और मध्य गंगा घाटी के पूरे इसके अंदर में फैला हुआ था। इसके अंदर में मालवा संस्कृति के अंदर में जो सबसे बड़ा मेन साइट मिला जो पुरातत्व विभाग को, वो कायथ था। कायथ साइट जो उन्हें उज्जैन में पड़ता है, उज्जैन में, उज्जैन में महाकालेश्वर के मंदिर आपने सुना होगा, तो उज्जैन में ही सबसे बड़ा जो साइट था जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रमाण मिले, पुरातात्विक प्रमाण मिले, वो कायथ में मिले, उज्जैन। ठीक है, कायथ और प्लस में चंबल, कायथ के साथ साथ 40 और साइट्स मिले हैं जो चंबल के आसपास के इलाकों में देखने के लिए हमें मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कायथ के अंदर में मिला है वो वहाँ पे मिट्टी के फर्श था जो लेप कर बनाया जाता था। मिट्टी के जो फर्श होते थे, फर्श जो जमीन होती थी उसको मिट्टी से लेप कर बनाया जाता था। ठीक है, और तकनीक के अंदर में वो तांबे का उपयोग करते थे। ठीक है, तांबे का उपयोग यहाँ पे देखने के लिए मिलता था। तांबे का वो सूक्ष्म रूप से फलक बनाने के लिए, ब्लेड्स बनाने के लिए उपयोग किया जाता था। ठीक है, और कई तरह के यहाँ पे क्रिस्टल पत्थरों का उपयोग देखने के लिए मिल जाता है, अलग अलग तरह के पत्थरों का उपयोग मिल जाता है। यहाँ पे कायथ जो संस्कृति है वो 3री शताब्दी के ईसा पूर्व के उत्तरार्ध की तिथि को प्रदर्शन करता है। 3री शताब्दी जो रही, ठीक है, वहाँ पे कायथ संस्कृति को अगर आप स्टडी करोगे तो आपको ये समझ में आएगा, 3री शताब्दी के को शो करता है, इंडिकेट करता है कि ये 3री शताब्दी की संस्कृति रही है। ठीक है, कायथ में भी कई तरह के मृतभांड मिले हैं। ठीक है, जिसे हम कायथ वेयर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे 40,000 से ज़्यादा सेल खड़ी सूक्ष्म मनके मिले हैं। ठीक है, कायथ के अंदर में 40,000 से ज़्यादा सूक्ष्म मनके मिले हैं। ठीक है, चूड़ियाँ मिली हैं, तांबे की कुल्हाड़ियाँ मिली हैं, तो कई सारी चीज़ें ये देख पाओगे, कुल्हाड़ियाँ हैं इस तरह की, अलग अलग तरह की कुल्हाड़ियाँ हैं। ठीक है जी, वो अब ये देखो ये गोल सा है, अब उसका यूज़ ये क्या करते थे हमें नहीं पता, पर नॉर्मली हम उसके हिसाब से, आज के हिसाब से मान लेते हैं कि भैया ये चूड़ियाँ होंगी, ये इस तरह का है। ठीक है, तो हमें ये नहीं पता इसका उपयोग वो क्या करते थे, पर हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कुल्हाड़ी है। ठीक है, तो इस तरह से सारा काल्पनिक बेस पे ये सारा चैप्टर डिपेंड करता है। ठीक है, पूरा हिस्ट्री जो भी आप पढ़ते हो सारा एक कल्पना मात्र है। कायथ की जो संस्कृति है वो काफ़ी हद तक आहाड़ संस्कृति से सिमिलर है, जो भी मैंने आहाड़ संस्कृति राजस्थान की बताई उससे काफ़ी हद तक सिमिलर कायथ की संस्कृति देखने के लिए मिलती है। आगे आप महाराष्ट्र के अंदर में ही आ जाता है, सवादा संस्कृति आ जाता है। ठीक है, आप सवादा की बात करो, ठीक है, सवादा संस्कृति की हम बात करें तो सवादा संस्कृति, सवालदा संस्कृति के अंदर में 27 स्थल मिले हैं जिसमें 20 तो जो है रावी नदी के किनारे बसे हुए हैं, तावी नदी के किनारे। ठीक है, 20 संस्कृति आपको ज़्यादा से ज़्यादा तापी तापी सॉरी तापी नदी के आसपास में मिल जाएंगे 20 संस्कृति, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर में सवालदा के साथ साथ एक और साइट यहाँ पे आ जाता है जिसको हम दोमाबाद कहते हैं, देमाबाद कहते हैं। ठीक है, देमदाबाद के अंदर में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के घर मिलते हैं, अलग अलग तरह के बनाए हुए घर मिलते हैं जिसमें तीन तरफ से बंद घर मिलते हैं। ठीक है, जो घर जैसे नॉर्मली आज के समय में घर होते हैं वो चारों तरफ से बंद होते हैं और एक गेट होता है, पर जो देमदाबाद में मिला उसके अंदर में तीन तरफ से बंद होते थे, एक तरफ से खुला, पूरी तरह से खुला हुआ रहता था। जो इनके जो दीवार होते थे वो कम ऊंचाई के होते थे, तीन कमरों वाले विशाल घर मिलते थे जिसमें आंगन भी हुआ करता था। ठीक है, शंख की सजावट, शंख से सजाया हुआ होता था घर को। ठीक है, पत्थर के लिंग मिलते थे जो बने हुए, शिवलिंग होता है पत्थर के बने हुए, तो उसी तरह के पत्थर के लिंग मिलते थे जिसे अंगीठी गोमत कहा जाता था। और ये माना जाता था कि जो पत्थर के लिंग वाले घर हैं ये पुरोहितों के घर हुआ करते थे, जो आचार्य होते हैं पुरोहित होते हैं उनके घर हुआ करते थे। आगे यहाँ पे एक मैप भी दे रखा है, आप उसको अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी इसमें, कि किस तरह से दोमदाबाद में के अंदर में हमें चीज़ें मिली हैं। तो ये मैप बनाया गया कि कैसे कैसे कोरिलेट करता है। तो देखोगे यहाँ पे घरों के रूम जैसे बना रखे हैं, तो रूम में तीन तरफ से दीवारें एक तरफ से पूरी तरह से खुली है, ये हमको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आगे हम बात करें तो यहाँ पे आ जाता है बिहार के दोआब क्षेत्र के अंदर में। दोआब के अंदर में हम गंगा घाटी के अंदर में जो गंगा नदी है उसके किनारे के जो कल्चर है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अंदर में बिहार और दोआब क्षेत्र की हम बात करते हैं तो यूपी पूरा कवर हो जाता है,
अब पूरा बिहार कवर हो जाता है इसके अंदर में, जिसमें बिहार के अंदर के जो साइट्स हमें जो मिले हैं वो आपको मिलेंगे चिरांद में, छेछर कुतुबपुर में, ठीक है, सेंड्रा में, मेनर में, ठीक है, तिरी डिटी में, इनकी जगह इन इन जगहों पे मिलेंगे। सारे जितने भी हैं ये जो साइट्स हैं पुरातत्व विभाग के, ये सारे गंगा नदी के किनारे ऑलमोस्ट हमें मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जब बिहार के इसके बारे में पढ़ते हो तो यहाँ पे आपको सबसे मेन जो संस्कृति यहाँ पे हमें मिली है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, औजार, गहने, अनाज और पशु के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, ठीक है। जिसमें औजारों की आप बात करो तो कुल्हाड़ियाँ, हड्डियाँ और सींगों से बने हुए रहते थे, ठीक है, जिसमें औजार के साथ साथ कई सूक्ष्म जो चीज़ें थी वो भी हमें मिले हैं। सूक्ष्म मतलब बहुत बारीकी से बनाई गई चीज़ें भी हमें देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। गहनों का उपयोग हाथी के दांत से, ठीक है, हड्डियों से, गोमद, ठीक है, जेस्पर, जेस्पर जो सेलखड़ी पत्थर होती हैं, जेस्पर की जो पत्थर होते हैं उनसे बनाए हुए जो गहने मिले हैं, ठीक है, ज्वेलरीज मिली है। अनाज की बात करो आपकी, वहाँ पे किस प्रकार के अनाज थे, तो चावल, गेहूँ, जो मूंग की दालें हैं वो हमें ज़्यादातर वहाँ पे उन साइड से हमें प्राप्त हुए हैं, ऐसा माना जाता है कि इस तरह की खेती वहाँ पे की जाती होगी। मवेशियों की हम बात करें तो पालतू मवेशी के साथ साथ में वो जंगली मवेशियों को भी वहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें हाथी, गेंडे के चिन्ह मिलते हैं कि हाथी और गेंडे भी यहाँ पर हुआ करते होंगे। कई तरह के मृदभांड भी मिले हैं, जिसके पूरा मतलब ये पूरा एरिया में हमें पता चलता है कि अच्छा इस तरह के मृदभांड होते थे, यहाँ से सेम कल्चर है। और जो ये पूरा एरिया है बिहार का, ये दोआब का जो पूरा क्षेत्र है, दोआब जिसमें बिहार और यूपी उत्तर प्रदेश पूरा जाता है, ये दोआब भी सिमिलर है हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है, ये यहाँ पे हम मानते हैं। यहाँ पे कई तरह के कुल्हाड़ियाँ, तलवार, भाले, ठीक है, ये भी हमें देखने के लिए मिलती है और हम मानते हैं कि कुल्हाड़ी हाव ये सारी चीज़ें रही होंगी, ठीक है। समझ में आता है। यहाँ पे लास्ट आपका एक टॉपिक आ जाता आज की वीडियो का, हड़प्पाई और गैर हड़प्पाई भारत के बीच में संपर्क की प्रकृति। अब देखो एक दूसरे से सिमिलर है तो किस तरह से सिमिलर है यहाँ पे इसके बारे में हम बात करते हैं, तो नॉर्मली क्या जाता है कि ताम्र पाषाण और नौ पाषाण जो संस्कृति थी उसका यूज जो है दोनों जगह पे एक ऑलमोस्ट एक सेम टाइम पीरियड पे मिलता है, जिसके कारण से हम सिमिलर मानते हैं। अगर मान लो जैसे भारत सबसे जो पहला फोन बना वो कहीं और बना, ठीक है, सबसे पहला फोन कहीं और बना, सबसे पहली बिजली कहीं और बनी, सबसे पहला एयरप्लेन जो था वो कहीं और बना, भारत में टाइम के साथ बाद में आया, ठीक है। जैसे एक नॉर्मल सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ ना, वो मोमोज का, ठीक है, आप सबने मोमोज खाया होगा, ठीक है, मोमोज सबसे पहले चीन, नेपाल, भूटान कहीं पे बना, ठीक है, बाहर बना, विदेश में बना, बाद में कोई व्यक्ति वहाँ पे गया, वहाँ से आया, फिर यहाँ पे आकर खाना शुरू किया। भारत के अंदर में पान खाया जाता है तो सिर्फ भारत के अंदर में ही पान खाया जाता है, जब विदेशी सब आए यहाँ पे देखा पान ये है तो पान फिर विदेश ले गए, ठीक है। भारत के अंदर में सबसे ज़्यादा मसालों की खेती होती है, सबसे ज़्यादा मसाले यूज़ किए जाते हैं, तो जब मसाला भारत के अंदर में था, विदेशी आए देखे कि यार इस तरह के मसाले हैं, तो वो विदेश ले गए, फिर वहाँ पर यूज़ होने लगा। तो मतलब क्या, टाइम पीरियड सेम नहीं है, वहाँ पर भी यूज़ होता है आज के समय में और भारत में भी यूज़ होता है, सॉरी दोनों जगह यूज़ होता है, पर आया सबसे पहले कहाँ पर, तो उसका टाइम पीरियड सेम नहीं है, जिसके कारण हम ये नहीं कह सकते सिमिलर संस्कृति है। पर जो हड़प्पा वाले टाइम की हम बात करें, जिसको आज पूरे चैप्टर के अंदर हमने स्टडी किया, तो दोनों की जो तिथि है ऑलमोस्ट सेम है, जिसके कारण से हम कहते हैं क्या, हड़प्पा के समकालीन संस्कृतियाँ, इसको हम मान के चलते हैं, ठीक है। समझ में आता है दोस्तों। तो ये पूरा चैप्टर था आपका आज वाला, ये खत्म हो गया। इसके बाद में हम तीसरा यहाँ से शुरुआत करेंगे, द्वितीय तथा प्रथम शताब्दी के अंदर में जो नवपाषाण और ताम्रपाषाण संस्कृति थी और तथा लोह यू जो पूरा चला, लोहे का उपयोग जहाँ पे हमने शुरू किया, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे चैप्टर खत्म होते ही तीसरे पार्ट के अंदर में जो लास्ट में 3 से 4 क्वेश्चन है उसको भी मैं करवा दूंगा, तो आप वीडियो को देखते रहिएगा, जब मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपके आने वाले टाइम में जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको टाइम से अपडेट मिले और आप उसको देख सको। लास्ट दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के नीचे में थैंक्स का बटन मिल रहा होगा या ज्वाइन का बटन मिल रहा होगा, ठीक है, तो आप उस पर ज्वाइन भी कर सकते हैं हमारे चैनल को, और थैंक्स पे कुछ पे भी कर सकते हैं, जिससे हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, किसी भी तरीके से हमारे चैनल को वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके, हमारे चैनल को ज्वाइन करके, हमें थैंक्स पे करके आप हमारे चैनल की बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।